close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm. फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन लेना था और वो मैंने ले लिया. फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो जाएगा इस साल इंशाल्लाह. इस साल अभी मजा आएगा ना भिड़ो. अभी जो आने वाला साल है उसमें पेपर देना थी मेरे और मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी नए साल में किसी भी हाल में. पढ़ना भी है और मुझे अपनी ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट करनी है. टी3 के एंड में मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट होनी चाहिए, यानी मेरा कॉलेज एंड होना चाहिए. यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की तैयारी होनी चाहिए. सो जो मेरा गोल अभी 2023 में और 2022 में पूरा नहीं हुआ, सो वो ये था कि मेरा चैनल मोनिटाइज होना चाहिए था. मुझे चाहिए था कि इस साल में मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाता जो कि नहीं हुआ. तो सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए बट वॉच टाइम रह गया मेरे चैनल का, जो कि कम्प्लीट करना मुश्किल है मेरे लिए बहुत ज़्यादा. तो जस्ट वो नहीं कम्प्लीट हुआ उसकी वजह से आई फील सो डाउन. गजब बेइज्जती. जबकि रियली मेरे लिए बहुत मुश्किल था और वो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया. आई रियली लव सोनिया बिकॉज ऑफ हर आई एम. मुझे लगता है जो चीज़ें उसने मुझे बाय करके दी है इट्स सो एक्सपेंसिव. एज माई लैपटॉप, एज माई गिटार, एज माई फ़ोन, as my college admission. Expensive नहीं था but it's so hard for me because my family doesn't allow. कहते थे बस मैट्रिक तक पढ़ लो बिकॉज मेरे पढ़ाई से बहुत काम छोड़ पढ़ाई की. तो कहते थे मैट्रिक कर लिया ना तुमने बिना सिपलियों के तो बस काफ़ी है तुम्हारे लिए. सो कॉलेज का जाओगी फिर तुम टेंशन लोगी पेपर्स की और एनीथिंग लाइक मेरे पेपर्स याद नहीं करने होते हर साल की तरह. मैं पेपर्स नहीं याद करती जो रियली बात है. 9th 10th हो गया और अब क्या भी कभी मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ तो लाइक तो फैमिली जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. फैमिली के ऊपर ही मेरा डिपेंडेंट होता है साथ. 23 में मेरा क्या गोल होने वाला है, मेरी एनिमेशन बुक होनी चाहिए जो कि जिसकी स्टोरी कंप्लीट है मेरे पास बट मैंने अभी तक पब्लिश नहीं कराई. तो वो बुक मुझे 2023 में पब्लिश करानी किसी भी हाल में. सो वो बुक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिश कराना वो. सो नेक्स्ट गोल है मेरा कि मुझे कोरिया जाना. तो अच्छे से कोरिया करीब है बट परमिशन की वजह से मैं नहीं जा पाती. बट मुझे ग्रेजुएशन का बाद का प्लान था कि मुझे जाना. तो आई थिंक 2023 में मैं कोरिया विजिट लाजमी करूँगी. इट्स सच अ बिग ड्रीम्स बट आई वॉन्ट टू डू दैट. ओके 2023 में और मुझे कौन कौन से बड़े काम करने हैं भाई. मुझे क्या करना है पता नहीं. मुझे कितने गोल सेट कर लिए आई डोंट रिमेंबर. ओके 7th गोल जो है आई वांट टू लर्न स्केटिंग. मुझे स्केटिंग करने का बहुत शौक है तो मुझे लगता है मुझे अब इट्स टाइम फॉर राइट कि मुझे स्केटिंग करना भी सीखना चाहिए बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टिंग इन स्केट बोर्ड्स स्केटर्स. सो आई वांट टू बी अ स्केटर. तो स्केटिंग भी डाल लेते हैं एज अ फन बिकॉज फन है तो भाई. ओके उसके बाद मुझे क्या करना है. मुझे मुझे न्यू आर्ट शॉप भी खोलनी थी अपनी. या सो जैसे ही ग्रेजुएशन कम्प्लीट होगी ना लॉट ऑफ ड्रीम्स का एक साथ ही न्यू आर्ट शॉप खोलनी है जिसके अंदर एक साइड के ऊपर न्यू आर्ट का डिपार्ट हो, दूसरी साइड के ऊपर सैलून हो, तीसरी साइड के ऊपर बुटीक हो और चौथी साइड के ऊपर हमारे जो हेयर सैलून हो वो हो. तो ऐसे करके मैं इन सबको एक पार्टीशन में बांट दूँगी. नेल आर्ट का जो डिपार्ट है वो मैं संभालूँगी, जो सैलून होगा वो मैं दे दूँगी एना को और जो बुटीक होगा वैसे मेरी सिस्टर का है सोनिया का. सो मैं उसे भी अपनी यू नो एज अ बिजनेस में इन्वॉल्व कर लूँगी. इससे हम चार बहनों का हो जाएगा सेम सेम एक ही जगह के ऊपर बिजनेस जैसा इसे करूँगी. सो वैसे हम लोगों को बहुत सारे तजुर्बे इन चीज़ों के तो हम बॉलर भी एक्साइट कर सकते हैं. उसके लिए मैं कुछ और देखूँगी आंटी आंटी ने एज माई फ्रेंड कोई मिल गया तो मेकअप का तो उसको देखेंगे मेकअप के डिपार्ट के लिए कोई अच्छी सी. तो इस तरीके के चार डिपार्ट का हमें लेनी पड़ेगी और उस पर खोला का नया शॉप.
स्पेशल गोल है मेरा वो ये है कि मुझे विंटर्स ना कराची में नहीं मनानी, मुझे ऐसी जगह पर मनानी है जब बर्फबारी हो, वो जगह कोरिया। बिकॉज ऑफ कोरिया के विंटर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, मैंने पूरे ड्रामे देखे कोरिया के, तो वहाँ का विंटर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो प्लेस भी बहुत खूबसूरत है, ख़ास तौर पर ताइवान, ताइवान वहाँ बहुत खूबसूरत है। तो मेरी विश है कि नेक्स्ट विंटर मैं ताइवान में जाऊँ, बिकॉज मुझे स्नो से बहुत लगा और मुझे ना विंटर्स कराची की पसंद नहीं आती, मतलब स्नो भी होती है विंटर्स के नाम पे विंटर्स भी नहीं होती, लाइक एक खुद ही से काम चल जाता है। सो आई वॉन्ट कि विंटर्स थोड़ी स्पेशल होनी चाहिए मेरी, बिकॉज मुझे विंटर सीजन सो मोस्ट 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 मुझे बहुत पसंद है। सो सबसे स्पेशल मुझे लगता है जो सबसे ऊपर में लिखूँ कि मेरा विंटर कराची में नहीं, कहीं भी ऊपर कराची में ना मनाऊँ। ओके कराची, और सो ऐसे बैठे बैठे तो मैं 50-60 गोल सेट करूँगी, सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आगे मैं कोई गोल ऐड करूँगी तो मैं उसका आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अच्छा, आप लोग अपने स्पेशल गोल मुझे गोल्स कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग नए साल के ऊपर क्या करना चाहते हो, एज अ क्या प्लानिंग आप लोगों ने करी है। सो प्लीज़ अपनी राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करा करो, और एवरीथिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लॉट ऑफ लव फॉर माई सब्सक्राइबर्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, बाय बाय।